हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवलिंग मॉम पे। आज हम आप सभी को लेकर चलने वाले हैं बैंगलोर के एक बहुत ही सुंदर टेंपल में, जिसका नाम है श्रृंगागिरी श्री सम्मुखा स्वामी गुड़ी, जिसे सम्मुखा स्वामी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। यह टेंपल कार्तिकेय भगवान को समर्पित है। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ के टाइमिंग्स क्या है, और साथ ही साथ इस टेंपल का वर्चुअल टूर भी कराने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह टेंपल बैंगलोर के राजेश्वरी नगर एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पर हम कार्तिकेय भगवान के साथ पंचमुखी गणेश जी और भोलेनाथ के भी दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। अभी हम टेंपल पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। यदि आप यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यहाँ पर अपनी टू व्हीलर की पार्किंग के लिए 5 रुपीस चार्जेस पे करने पड़े। यह टेंपल सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। तो चलिए अब हम टेंपल के अंदर चलते हैं। जब आप टेंपल के लिए अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ से आप भगवान को चढ़ाने के फूल और प्रसाद खरीद सकते हैं। इस शॉप के पास एक और शॉप अवेलेबल है, जहाँ से आप आइसक्रीम ले सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सबसे पहले आप पंचमुखी गणेश जी के दर्शन करेंगे। पंचमुखी गणपति जी के दर्शन करने के बाद हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी गुफा में बना हुआ है। उस पार्ट को हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि जब हमने भोलेनाथ के दर्शन किए उस समय उनका अभिषेक हो रहा था। यहाँ पर डेली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सो यदि आप इस टाइम में यहाँ पर आते हैं तो आप उनका अभिषेक होते हुए भी देख पाएंगे, और यदि आप चाहें तो यहाँ पर चार्जेस पे करके उनका अभिषेक भी करवा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस टेंपल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजेश्वरी नगर मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से इस टेंपल की दूरी अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है। तो पहले आपको वहाँ पर आना होगा, देन आपको राजेश्वरी नगर बस स्टैंड से MF14A नंबर की बस लेनी है, जो आपको BML लेआउट तक ड्रॉप कर देगी, जहाँ से इस टेंपल की दूरी अप्रॉक्स 900 मीटर है। सो आप वहाँ से वॉक करके भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यह टेंपल हाइट पर बना हुआ है, तो मेन मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको अप्रॉक्स 150 स्टेप्स चढ़कर ऊपर आना होगा। टेंपल का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर बना हुआ अरुमगम टावर, जिसमें भगवान कार्तिकेय जी के 6 फेसेस को दिखाया गया है, और उस पर बना हुआ है क्रिस्टल डोम, जिसकी सुंदरता रात्रि के समय देखती ही बनती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर इवनिंग के समय ही आए। इस टेंपल का निर्माण 2006 में करवाया गया था, और अभी हम मेन टेंपल तक पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान कार्तिकेय जी उनकी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान हैं। इस टेंपल में आपको गणेश जी की बहुत सी प्रतिमाएं भी देखने को मिलेगी। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, हमें यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, यदि आप बैंगलोर में रहते हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आए और सम्मुखा स्वामी जी के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पर यह प्रसाद मिला है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस टेंपल को पूरा घूमने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। यह टेंपल हाइट पर होने की वजह से यहाँ ऊपर से पूरे बैकग्राउंड से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और यहाँ हमें कुछ पल व्यतीत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी चाहें तो यहाँ पर आकर कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, इस टेंपल के सामने माँ लक्ष्मी जी का टेंपल भी बना हुआ है। फोटोग्राफी अलाउ ना होने की वजह से हम उस टेंपल को कवर नहीं कर पाए। सो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो उस टेंपल में विजिट जरूर करें। आई होप आप
सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।